हेलो एवरीवन, सो मैं हूं पुनीत कुमार और आज का सफ़र होने वाला हमारा खाटू श्याम जी का। जी हाँ, लखनऊ से हम लोग बैठे हैं और आप सब देख सकते हैं विजय ट्रेवलर्स ये बस है। तो ये पूरा ब्लॉग जो है होने वाला है खाटू श्याम मंदिर का, तो आइए आपको भी दिखाते हैं बस के अंदर का नज़ारा और पूरे खाटू श्याम का नज़ारा। सो लखनऊ के अवध चौराहे पे आपको मिलेगी ये बस जो कि जाएगी खाटू श्याम के लिए, और अंदर के और अगर आप व्यू देखेंगे तो नीचे बैठने की सीटें हैं जो कि आपको 700 से 800 रुपए में मिल जाती है लखनऊ से खाटू श्याम के लिए, और ऊपर लेटने की जो कि इसका किराया होगा 1200 से 1700 के बीच। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। जब आप अंदर बैठते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा दृश्य देखने को मिलता है बाहर का, और जब नाइट होती है, जब लाइट जलती है बस की, तो काफ़ी अच्छा लग्जरियट फील होता है और काफ़ी मज़ा आती है। और देखते ही देखते बाबा श्याम का नाम लेते हुए आप पहुंचेंगे खाटू श्याम। तो रिंगस के पास में बस उतरती है, वहीं से 200-300 मीटर आप अंदर की ओर जब जाएंगे तो आपको काफ़ी गेस्ट हाउस देखने को मिलेंगे। जो मैं राधे राधे गेस्ट हाउस में रुका था, यहाँ पे मेरे को 600 रुपये में दो लोगों का रुकने के लिए एक दिन का काफ़ी अच्छा रूम मिल गया था। तो नहा धो करके आप निकलेंगे यहाँ से खाटू श्याम जी के लिए। सो हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने बस ली थी तो बस का किराया जो है 30 रुपये पर पर्सन था, जो कि काफ़ी अच्छा और सस्ता कन्वेंस है। इसके अलावा अगर आप दूसरा कन्वेंस से जाते हैं तो आपको 100 से 150 रुपये, 300 रुपये पर पर्सन के देने पड़ सकते हैं। और जैसे ही आप बढ़ते हैं यहाँ पर तो बस यहीं पर रुक जाती है, इससे आगे बस नहीं जाती है क्योंकि इस समय फागुन मेला चल रहा है, काफ़ी भीड़ रहती है। तो यहाँ से 100 से 200 मीटर केवल आप आगे बढ़ेंगे तो आपको खाटू श्याम जी का एक प्यारा सा गेट दिखेगा, जो कि बहुत ही प्यारा सा गेट है। वहाँ पे आप फ़ोटो वीडियो सेल्फीज़ वगैरह भी ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पर फागुन मेला भी चल रहा है इस समय। सो आप यहीं पर आप रुक करके थोड़ा सा फ़ोटो वीडियो बना करके खींच के तब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, काफ़ी ढेर सारे आपको दुकानें भी दिखेंगी, आप कहीं से भी आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। अंदर गुलाब के फूल और प्रसाद चढ़ते नहीं हैं, लेकिन आप लेके जा सकते हैं, उन्हें बाबा जी को दिखा सकते हैं, उन्हें घर ला करके आप प्रसाद बांट भी सकते हैं। सो दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय सुबह और शाम का रहता है, दिन में गर्मी के समय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप रहती है। सो आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे निशान भी लेकर के जाते हैं यहाँ पे, और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर आपको बहुत ही प्यारा दृश्य देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब ये वो व्यू आ चुका है जहाँ से आप खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं, यानी कि यहाँ से लेफ्ट साइड में बाएँ साइड में आपको बाबा जी का प्यारा सा दर्शन होने वाले हैं आपको। और यहाँ पे गुलाब के फूल मैं लेके गया था अंदर, लेकिन वो रास्ते में ही उन्होंने गुलाब के फूल ले लिए थे, उन्होंने बताया कि गुलाब का फूल चढ़ाया नहीं जाएगा, और बाकी प्रसाद आप लेके जा सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसके बाद घर ला सकते हैं। और साथ ही साथ जब दर्शन हो जाएंगे फिर इसके बाद में आप लोकल मार्केट से कुछ मूर्तियाँ खरीद सकते हैं बाबा जी की, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ से काफ़ी सारी ढेर सारी शॉपिंग्स कर सकते हैं, और यहाँ के रेट्स बताते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे रेट, लेकिन आप बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको ठीक ठाक रेट मिल जाएगा। फिर इसके बाद थोड़ा सा भूख लगेगी तो जाहिर सी बात है, मैंने तो यही यहाँ पे लस्सी पी थी। इस लस्सी के गिलास का जो रेट है वो 50 रुपये पर गिलास है कुल लड़की, और काफ़ी अच्छा टेस्ट था, मैंने पिया। आप भी यहाँ पर लस्सी वगैरह पी सकते हैं, गर्मी का मौसम है तो लस्सी बहुत ही अच्छी लगती है। फिर इसके बाद देखिए भूख लगती है तो भाई दोपहर का वक्त है और खाना खाने का मन करता है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक प्यारा सा एक रेस्टोरेंट मुझे दिखा। यहाँ पे 2-3 रेस्टोरेंट थे जिसमें से मुझे एक रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को 150 रुपये में थाली मिल गई जिसमें मेरे को दाल चावल छोले की सब्ज़ी पनीर की सब्ज़ी और पापड़ और साथ में मट्ठा मिला, और बहुत मज़ा आया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।